सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, बीआरओ ग्रिफ्ट ड्राइवर की भर्ती के फार्म जो है वो ऑफलाइन फार्म होंगे और जल्द ही आने वाले हैं। और ये जो भर्ती आ रही है बीआरओ ग्रिफ्ट की, ये 2019 के बाद पहली भर्ती है जो ड्राइवर की इतनी बड़ा रिक्रूटमेंट आ रहा है। इससे पहले 2014, 2016 और 2018 में भी बीआरओ ग्रिफ्ट की भर्ती हुई है। और बीआरओ ग्रिफ्ट की जो मेरिट है ड्राइवर की, वो ऑल इंडिया मेरिट होती है, इसमें स्टेट वाइज मेरिट नहीं होती जैसे सीआरपीएफ ट्रेडमैन में थी। तो आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसमें जो ड्राइवर की भर्ती है वो चार मुख्य इसके पार्ट हैं, यानी चार भागों में ये पूरी होगी। पहला है इसका फिजिकल, फिर है इसका जो है ट्रेड टेस्ट, फिर इसका रिटर्न और मेडिकल। अभी इसके अंदर में जो एडमिट कार्ड आते हैं साथियों, वो एडमिट कार्ड परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड इशू होते हैं, क्योंकि अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल में हमने अभी बीआरओ ग्रिफ्ट की ये पांचवी भर्ती है हमारी। इससे पहले हमने जवानों को प्रशिक्षण दिया है 2014 की, 2016 की, 18 की और 19 की भर्ती में। तो इसके बाद में आपको पहले, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे उनका रिटर्न होगा, और जो रिटर्न में जो बच्चे पास किए जाएंगे जितनी मेरिट है उतनी, उनका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग। अब बात रही इसमें एडमिट कार्ड के, अपनी अपनी कैटेगरी में जितनी वैकेंसी हैं उन वैकेंसीज का 10 गुणा कॉलेटर इशू करते हैं, और वो 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है उस मार्कशीट के परसेंटेज के बेस पे आपके ये जो है एडमिट कार्ड बीआरओ ग्रिफ्ट इशू करेगी। और बीआरओ ग्रिफ्ट ड्राइवर की भर्ती को, बीआरओ ग्रिफ्ट का सेंटर पूना में है, पूना में पूरी भर्ती प्रक्रिया होती है। इसके अलावा अन्य किसी सेंटर पर, जैसे हरिद्वार भी बीआरओ ग्रिफ्ट का सेंटर है, वहाँ नहीं होती है, ये पूना में ही होगी आपकी। दूसरी, अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होता है बीआरओ ग्रिफ्ट में, उसमें आपके 3 ऑप्टिकल का टेस्ट लेते हैं, और उसमें आपकी टाटा 16-13 ट्रक से होता है। पहला आपका एल पार्किंग का टेस्ट होता है, फिर एट ड्राइविंग ऑप्टिकल का टेस्ट होता है, और फिर आपका जो है रैंप का टेस्ट होता है। और ये आपका टेस्ट जो अभ्यर्थी फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे उनका ड्राइविंग टेस्ट होता है, और जो ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उनका रिटर्न होगा। तो ड्राइविंग टेस्ट भी काफ़ी हार्ड आता है। और जो अभ्यर्थी जो फार्म भरते हैं, मैं उनको बता देता हूँ, आप यदि फार्म भरते हो तो आप अपने एनसीसी की सर्टिफिकेट और अन्य खेल के प्रमाण पत्र जरूर लिखें, वो आपके उसमें उपयोगी होंगे। अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल एक भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ये ड्राइविंग स्कूल है, जिसमें हम पिछले 12 वर्षों से लगातार अभ्यर्थियों को ड्राइवर की तैयारी कराते हैं। और ये जो है आज पूरे देश के अंदर ड्राइवर फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि हमने 8000+ युवाओं को ड्राइवरी की भर्ती में सिलेक्शन